पाकिस्तान रेलवेज हमारे मुल्क का वो कौमी इदारा है जिसे तवील अरसे से खसारे का खसरा निकला हुआ है। यानी इस इदारे के जिस्म पर ऐसे हजारों बल्कि लाखों छोटे छोटे जख्म हैं जिससे कौमी खजाना रिसता रहता है। इस इदारे का तसव्वुर आते ही ना जाने क्यों जहन में करप्शन का नक्शा उभर आता है। इस महकमे में कौमी खजाना निचोड़ने के सैकड़ों ऐसे तरीका वारदात हैं कि जिनमें से कुछ तो कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं लेकिन बेशतर तक कानून की रसाई ही नहीं हो पाती। मैं हूं उकाशा गुल और आज आप देखने जा रहे हैं पाकिस्तान के महकमा रेलवे से जुड़ी वारदात। तवील अरसे से खसारे में चल रहा रेलवे का महकमा दरहकीकत फौज के बाद पाकिस्तान का दूसरा अमीर तरीन महकमा है। चोरी चकारी और करप्शन के बायस पाकिस्तान रेलवेज आज किसी भिखारी की सी सूरत हाल का सामना कर रहा है। इसे पांव पर खड़ा रखने के लिए तमाम हुकूमतों ने सर तोड़ कोशिशें कर डाली मगर अब तक सब रहा बेसूद। खसारे की जो बात है अगर आप उसको देखें कि उसमें से जो पेंशनर्स है मेजर जो हमारा शेयर है वो पेंशनर्स ले जाते हैं। अगर हम पेंशनर्स को जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी सिर्फ पाकिस्तान रेलवे भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों में पेंशनर्स है अगर उसको माइनस किया जाए तो पाकिस्तान रेलवे तकरीबन अपने जितनी मुनाफा है और जितने उसका खर्चा है उन दोनों के तकरीबन बैलेंस है। उस इनसे मिलिए नजम वली खान, एक सीनियर सहाफी होने के साथ साथ पाकिस्तान रेलवेज में बतौर तर्जुमान अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। यानी यूं समझ लें कि बयक वक्त बतौर सहाफी और रेलवे अफसर खिदमात सर अंजाम देकर इन्होंने तस्वीर के दोनों रुख देख रखे हैं। रेलवे में सेक्रेटरी, मिनिस्टर, एजीएम और इसके साथ साथ एजीएम्स और डीएस, ये तकरीबन डेढ़ दर्जन के करीब ऐसे लोग चाहिए जो विजिलेंट हों, जो मेरिट पे हों, और उन 18 बंदों की ड्यूटी ये हो कि वो 74,000 मुलाजमीन में से सिर्फ 74 ऐसे बंदे चुन लें जो मुल्क भर में की पोस्ट पर लगाए जा सकें। रेलवे एक मरतबा फिर जो है मेरिट पे आएगा, चलने लग पड़ेगा। इसका खसारा जो अब 40 अरब रुपए सालाना से बढ़ रहा है ये दोबारा कंट्रोल हो जाएगा। चोरी, मैन जो चोरी करते हैं वो छोटे छोटे जैसे फिश प्लेट्स है हमारे पुर्जे हैं, हालांकि उनसे उनका इतना कुछ होता भी नहीं है, उसकी इतनी कीमत उनको मिलती नहीं है जितनी जानी नुकसानों का उससे ख़तरा होता है। कि आप अगर एक फ़िश प्लेट निकालते हैं कबाड़ियाँ आपसे 200, 400, 500 का ले लेगा, ज़्यादा 1,000 का ले लेगा। यूँ तो महकमा रेलवे के हर अंदरूनी महकमे में चोरी की वारदातें मामूल का हिस्सा हैं। कभी किसी रेलवे वर्कशॉप से कीमती सामान चोरी हो जाता है तो कहीं दूर दराज खड़ी रेलगाड़ियों से उनका सामान, हत्ता के रेलगाड़ी के ब्रेक्स तक भी नहीं बच पाते, जैसा कि यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन पर हुआ और सबूत आपके सामने है। पुलिस के साथ साथ जो हमारे सीसीटीवी कैमराज और दूसरे जो सिक्योरिटी की चीजें उनको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं ताकि कम से कम चोरी हो। करप्शन करने के वहाँ पर, चोर बाजारी के वहाँ पर, काम चोरी के और रेलवे को तबाह करने के एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, मौके बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसी विजिलेंट वहाँ पर लीडरशिप हो जो इस चीज़ को रोक सके। किसी भी दूसरे शोबे की तरह रेलवे में इस चीज़ की ज़रूरत कहीं ज़्यादा है। चोरी और फ्रॉड की बात है तो वाज़े रहे कि साल 2019 और 2020 के दौरान महकमा रेलवे में 402 मुकदमा दर्ज हुए जिनके नतीजे में महकमे को 1,75,00,000,000 रुपए से जायद का चूना लगा। मेन यार्डों में चूंकि वहाँ सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं होता, खुले स्टेशन है, खुले यार्ड्स हैं, कोचे खड़ी होती हैं, उस पर हमने पुलिस पर्सनल भी डिप्यूट किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी ह्यूमनली इतना पॉसिबल नहीं होता कि वहाँ पर लोग आते हैं। हम गए बगाए FIRs भी करवा रहे, लोगों को पकड़ भी रहे। ये एक कम्प्लीट अदारा है और मुनज़्ज़म अदारा है, इसमें जब कोलैबोरेशन नहीं जब तक होगी उस वक्त तक चोरी के इम्कान बहुत कम हैं। वाज़े रहे कि दर्ज होने वाले इन मुकदमात में रिकवरी रेशो ना होने के बराबर है। ज़ाहिर है अगर हम कोई थेफ्ट या पिल्फरेज है या कोई लीकेज है
तो नेचुरली हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होता। साहिवाल, जब इस शहर का नाम मंटगोमरी था तब भी यहाँ रेलवे ट्रैक मौजूद था, मगर इस दौर में किसी की जरूरत नहीं थी कि वो सरकार के इस रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा सके। मगर मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान थरकोल प्रोजेक्ट के लिए बिछाया गया रेलवे ट्रैक चोरी हो चुका। साजिद मकसूद वाडा का स्टोर कीपर है, उसने करोड़ों रुपए की लाइन गैर कानूनी तरीके से काटा और काटने के बाद 3 बाई व्हीलर ट्राले उसने यहाँ से निकाल दिए, सेल कर दिए। वो गुजरांवाला की पार्टी थी जो यहाँ पर कबाड़ी आए थे, जिनको इन्होंने सेल किया था। बाकी 1 किलोमीटर वाई की जो लाइन है अभी भी उस वाडा में पड़ी हुई है, उन पर अब नंबरिंग होगी। यहाँ देखिए, रेलवे ट्रैक उतारने की तैयारी मुकम्मल है। थरकोल प्रोजेक्ट से जुड़ा ये ट्रैक माफिया की नजरों में आ चुका है, सो ट्रैक काटने और चोरी करने का मुकम्मल बंदोबस्त किया जा चुका है। इसीलिए यहाँ सिलेंडर भी मौजूद है और दीगर औजार भी। साहिवाल में बिछे इस ट्रैक का तकरीबन 2 किलोमीटर हिस्सा चोरी हो चुका है। देखिए, ट्रैक इस तरह चोरी नहीं हो सकता क्योंकि रेल इतना कोई आसान नहीं है उसको ले जाना, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और उसको डिसमेंटल करना ये कोई इतना ईजी काम नहीं है क्योंकि हमारे पेट्रोलर्स राउंड द क्लॉक होते हैं। रेलवे का सामान सारा चोरी हो गया यहाँ से। यहाँ पर खरबों रुपए का सामान आया था जिसमें यूसुफ आला, कादराबाद और ये कादराबाद प्लांट वाला जो सामान सारा लगना था यहाँ पर स्टॉक हुआ था, वो सारे का सारा सामान यहाँ से, मेरे ख्याल में यहाँ से वो 60% लगा होगा और 40% वो चोरी हुआ है यहाँ पर माल। रेलवे ट्रैक चोरी के तरीका वारदात की बात की जाए तो इसके लिए महकमा का मुलव्वस होना लाजमी जुज है। रेलवे ट्रैक को काट कर इसे मतलूबा जगह तक ले जाना भी इतना आसान नहीं। रेलवे ट्रैक की एक लाइन 60 फीट लंबाई की होती है, लिहाजा इसे ऐसे ही ले जाना नामुमकिन है। ट्रैक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे सिर्फ बड़े ट्रॉलर पर ही कहीं ले जाया जा सकता है। ट्रैक चोरी की बात करें तो याद रखें कि खैबर से कराची तक जो रूट्स बंद हो चुके हैं या थरकोल प्रोजेक्ट की तरह परवान नहीं चढ़ पाए, ऐसे ट्रैक्स ही माफिया की नजर में रहते हैं। गैर मियारी रेलवे ट्रैक्स की खरीदारी और मियाद खत्म होने से पहले उनकी चोरी अफसरान का एक खास तरीका वारदात है। रेलवे में चोरी की एक और वारदात भी सुनते चलिए। अरबों रुपए मालियत की ये वारदात जिस खामोशी से रोनुमा हुई उसी सकूत से इसका इख्तिताम भी हो गया। मेरी मुराद उस बेशकीमत कॉपर वायर से है जो 2 बोगियों समेत गायब हो गई। माजी करीब में लाहौर से खानेवाल तक इलेक्ट्रिक इंजन चला करते थे। जैसे जैसे ये लोकोमोटिव्स खराब होते गए वैसे वैसे इन्हें चलाए रखने के लिए दुनिया की बेहतरीन कॉपर वायर पर मुश्तमिल नेटवर्क चोरी होता रहा। आज सूरत हाल ये है कि लाहौर से खानेवाल तक इस कॉपर वायर का बोझ उठाने वाले पोल्स भी कम ही नजर आते हैं। खंबे भी गायब हो रहे हैं, गायब नहीं वो डिसमेंटल कर रहे हैं क्योंकि खंबे उतारना इतना आसान काम नहीं था। वायर का उतारा भी गई है, उतरवाई भी गई है, उतारी भी गई है। कॉपर वायर की चोरी को पेशे नजर रखते हुए महकमा रेलवे ने अपनी इस प्रॉपर्टी को समेटने की कोशिश भी की। महकमे ने कॉपर वायर से भरी 2 बोगियां अलहदा अलहदा लाहौर और खारिया के लोको शेड्स में भी भिजवा दी, मगर चोर इसी ट्रैक पर पीछे पीछे आते रहे। बाद अजां रेलवे वर्कशॉप में खड़ी अरबों रुपए मालियत की कॉपर वायर से भरी 2 बोगियां एक ही दिन में गायब हो गई। इलेक्ट्रिफिकेशन को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जितनी उसके है तो उसकी स्पेशलाइज वो होती हैं क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी लेनी है और उससे आपने ट्रेन को आगे जो चलाना है इसलिए उसकी एक स्पेशलाइज किस्म की वायर थी। तो वो बहुत पुरानी 1969 की हमारी वो इंस्टॉलेशंस थी। इस इंक्वायरी के दौरान हसास इदारे के एक अफसर समेत रेलवे अफसरान और मुलाजमीन के एक गिरोह को गिरफ्तार भी किया गया, मगर माल मुकदमा की बरामदगी आज तक मुमकिन न हो पाई। स्टोर परचेज से लेकर फिर जनरल मैनेजर तक और चेयरमैन रेलवे तक, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब, ये चूंकि मेजर लेवल का इवेंट था तो उसमें मेजर साहब ये थे ही। रिकवरी बिल्कुल मेजर साहब से एक एक पाई की हो गई है, बल्कि रिसेंटली लास्ट कुछ पैसे रह गए थे तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपए, वो अभी 2 माह पहले हमारे पुलिस ने वो चेक हमें जमा करवा के दे दिए। तो मेजर साहब से रिकवरी हो गई है, जो उसने जो थेफ्ट किया था और वो इलेक्ट्रिक जो हमारी केबल्स थी उनके जो चोरी की थी उसने।
वाजह रहे कि बिजली की तार बनाने वाली तमाम बड़ी कंपनियां खालिस कॉपर की बड़ी खरीदार हैं, जबकि असलहा की सनत में भी ये खासी अहमियत का हामिल है। ये वायर इतनी कीमती और दुनिया का बेहतरीन और महंगा तरीन कॉपर जिसकी ये बुलेट बनती है। पाकिस्तान रेलवेज में चोरी की ऐसी बड़ी वारदातों के अलावा रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इकसाम की वारदातों का इर्तकाब होता है, जिनमें रेलगाड़ी से जुड़े मुख्तलिफ पार्ट्स की चोरी के अलावा सैकड़ों की तादाद में जाली रसीदें तक शामिल हैं। रेलवे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको आप ऑडिट ऑब्जेक्शंस कह सकते हैं। होता यह है कि जब आप कोई भी चीज़ ऑडिट के अंदर जाती है तो पता चलता है कि यार ये जो चीज़ डाली गई है इसको तो फलां ऑफिसर ने इसको सैंक्शन करना था, ये सैंक्शन नहीं हुई थी तो अब ये गैर कानूनी हो गई है। महकमा रेलवे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी अदायगियों में से 146.67 मिलियन रुपए की अदायगी सरकार के अकाउंट की बजाय प्राइवेट अकाउंट्स में की गई। कोई आ तो गया है सीएसपी ओके या इंजीनियरिंग करके, लेकिन वो आ गया, वो कहता है कि मैं फिट तो हो गया हूँ, अब मैंने इसको चाटना कैसे शुरू करना है। तो किसी ने तो महकमे को मारा, किसी ने उसका फिर कफन उतारा, किसी ने कुछ जैसे गिद्धे नोचती हैं इस तरह इस महकमे को गिद्धों की तरह नोचा भी जाता भी रहा है, हो भी रहा है। जबकि दूसरी तरफ 101 मिलियन से जायद मालियत के मटेरियल की रसीदें भी बोगस निकली। इनमें रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया और दीगर मटेरियल की खरीदारी पर मुश्तमिल खुद साख्ता रसीदें तैयार की गई थी। इस सिलसिले में पाकिस्तान रेलवे को नुकसान पहुंचाने की मद में इंक्वायरी भी हुई, जिसके नतीजे में जिम्मेदारान रेलवे अफसरानों मुलाजमीन का तायुन भी मुमकिन हुआ। लेकिन हमेशा की तरह ये इंक्वायरी भी जिम्मेदारान तक सिर्फ इजहार वजू के नोटिस पहुंचाने का सफर ही तय कर पाई। दूसरी तरफ पाकिस्तान रेलवे का सबसे कीमती असासा इस महकमे की पहुंच से दूर होता जा रहा है। जिस तरह धीरे धीरे दीमक लकड़ी खा जाती है, इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ इस महकमे की प्रॉपर्टी में कमी होती जा रही है। वागा से तूफान तक खरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी पर काबजीन की एक बड़ी तादाद आज भी बराजमान है। सिर्फ लाहौर स्टेशन की बात करें तो महकमा रेलवे की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में रेलवे की प्रॉपर्टी में से 13 मकामात पर महकमे की 93 एकड़ अराजी पर मुख्तलिफ लोग और माफिया के गिरोह ने कब्जे कर रखे हैं और बेशतर के मुकदमात जेरे समात हैं। महकमा रेलवे ने लाहौर में कब्जों की मद में होने वाले नुकसान का तखमीना 5,534.62 मिलियन रुपए लगाया है। नंबर वन तो हमारा ये है कि जी जो पिछले हो चुके हैं अब नहीं तो कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, और ओल्ड इंक्रोचमेंट के लिए कंटिन्यूस एक ऑपरेशनल प्लान हमारा जारी है। और पूरे पाकिस्तान रेलवे में, स्पेशली मैं अपने लाहौर डिवीज़न की बात करूँगा, कि हमने हर महीने के हमारा एक प्लान निकलता है और वो हम ओल्ड इंक्रोचमेंट जो कमर्शियल है उस ज़मीनों को हम रिट्रीव करा रहे हैं। इस पे चेक एंड बैलेंस हमारी अगर इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है उस पे, तो उस वजह से लैंड का जो आप शायद यही कहना चाहते होंगे कि उस पे आजकल माफिया ने कब्जे भी किए होंगे, उसमें भी जाहिर है कि कोलेबोरेशन के बगैर, बिल्ली भगत के बगैर ये काम भी नहीं होता। लाहौर से हटकर आप किसी भी शहर या कस्बे का रुख कर लें तो रेलवे स्टेशन या इससे कुछ फासले पर ही आपको काबजीन बिखरे नजर आएंगे। कई जगहों पर तो काबजीन की रिहाइश गाह है और कुछ जगहों पर कमर्शियल मार्केट्स बना रखी हैं। हैरान कुन अमर ये है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के बावजूद दूसरे सरकारी महकमों ने यहाँ मीटर्स भी लगा रखे हैं। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कोर्ट की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, अब उस पर हम लिटिगेशन विंग को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी है कोर्ट से हम अपने फैसले रेलवे के हक में दिलवाएं और उन ज़मीन को वागुजार कराएं। भाई कई दफ़ा मजिस्ट्रेट हजरात जाते हैं, लोग आगे से खड़े हो जाते हैं, एजिटेशन होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो लेकिन ये है कि अगर एक कानून किताबों में तो पढ़ा हुआ है ना, असल बात है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। रेलवे की इस वक्त अरबों नहीं खरबों रुपए की ज़मीनें हैं, उस पर लोगों ने नज़रें जमाई हुई हैं। इस वक्त निजकारी के ज़रिए इसके रेलवे को बंद करने के ज़रिए इसके अरबों और खरबों रुपए के असासे जो हैं
आप सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी देख लें किस किस जगह पे रेलवे स्टेशन है जहाँ पे उन रेलवे स्टेशन की जो ज़मीन है उसके साथ साथ जो रेलवे की कॉलोनीज हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये रेलवे की जितनी कीमती प्रॉपर्टी है ये तो पूरे का पूरा रेलवे हड़प हो सकता है अगर इस पर ईमानदार दयानतदार विजिलेंट अगर वहाँ पर लीडरशिप ना दी गई। महकमा रेलवे पाकिस्तान के उन सरकारी महकमों में शामिल है जहां ठेकेदार को एक ही काम का मुआवजा दो बार भी दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कादराबाद पावर प्लांट तक रिसाई देने के लिए बिछाए ट्रैक की मद में एक ही काम के एवज कुल 35 करोड़ 97 लाख की अदायगियां हुई, जिनमें से 20% अदायगियां दो मरतबा की गई। इस नुकसान का तखमीना 7 करोड़ 19 लाख से जायद का लगाया गया है। पाकिस्तान रेलवेज के रिश्ते जख्मों में खरीदो फरोख्त की करप्शन के अलावा माफिया से जुड़े रिटायर्ड अफसरानों मुलाजमीन की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां, जाली TADS, गैर मयारी आलात की खरीदो फरोख्त, जाली कर्जे, नए स्टेशन, मनपसंद के ठेके और चौकियों की तामीर तक शामिल है। इसके साथ साथ हर रेलवे स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर सब इसी करप्शन एक्सप्रेस के मुसाफिर हैं। पाकिस्तान रेलवे जैसे अमीर तरीन इदारे को करप्शन दीमक की तरह चाट रही है, लेकिन आज तक किसी भी हुक्मरान के कान पर जू तक नहीं रेंगी। आपने देखा कि पाकिस्तान रेलवेज में जराइम की वारदातों का सिलसिला जारी है और अवाम को करप्शन के रिश्ते जख्मों पर मलहम लगाने वाले का शिद्दत से इंतजार। लेकिन एक बात तो तय है कि जुर्म काबिले दस्तंदाजी हो या वाइट कॉलर, मुजरिम एक ना एक दिन तो जरूर पकड़ा जाता है। इसी के साथ मुझे और मेरी वारदात की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते याद रखिए कि जुर्म तो मुजरिम करता है मगर उसमें सबक हम सब के लिए है। अल्लाह ने निगेबान।